सो गाइस, इस वीडियो में अपना लाइव क्लास आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें कि मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैटर्न सिखाऊंगा, जो कि दिल दिया है जान भी देंगे सॉन्ग में बजा। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी इस गाने के लिए, तो मैं अपने स्टूडेंट को आज सिखाऊंगा ये। एट द सेम टाइम आप लोग भी ढोलक लेकर और ये पैटर्न सीख सकते हैं। ऑलराइट, पहले मेरे स्टूडेंट से मिलिए, ये USA में स्टूडेंट है। हाय करें सबको। हाय गाइस, हाउ आर यू? मैं सर का स्टूडेंट हूँ, ये पाकिस्तान से, और US में रह रहा हूँ, और ऑलमोस्ट 9th month हो गए हैं. और जो कुछ भी सीखा है सर से सीखा है. सर जी बहुत अच्छा सिखाते हैं और मेरी बहुत ढोलक इम्प्रूव हुई है इनसे. थैंक यू सर जी. चलिए फिर ऐसे कीजिए, कुछ बजाकर भी दिखाइए फिर। जी सर. क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप लोगों को शायद अच्छे से ना सुना हो, क्योंकि इसमें लैपटॉप में बेस की आवाज़ प्रॉपर नहीं आती, पर बहुत बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने प्ले की है। अच्छा, तो आज हम करते हैं एक बहुत बढ़िया पैटर्न है, मैं दिखाता हूँ आपको पहले। जैसे कि मैं इनफैक्ट आपको भी सॉन्ग का ना लिंक सेंड कर दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, पर इस पैटर्न की एडवांटेज ये है कि आप कहरवे का कुछ भी बजा रहे हैं। हाँ, सॉन्ग हो गया, कोई भजन या कुछ भी बजा रहे हैं, उसमें एज अ वेरिएशन के तौर पे आप लगाएंगे इसको, राइट? और मीडियम स्पीड में भी बजता है, थोड़ा सा फास्ट भी बजता है, स्लो में भी, मतलब टेम्पो के अकॉर्डिंगली आप इसे कहीं पर भी एडजस्ट कर देंगे, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं। गाइज, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरा नाम है अनुज लोधी और इस चैनल पे ऐसी ढोलक तबला से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस मिलती हैं। तो आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइएगा, तभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। ऑल सेलेक्ट करना है और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रिक्वेस्ट हो तो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है प्ले करने में, क्योंकि जैसे धिट तिट जो भी हम बजाते हैं तो धिट के साथ बेस पहले आता है ना, इसमें क्या है कि ती ट के साथ एक जगह बेस बजेगा और धाता बजने की जगह ता धा बज रहा है, तो काफी उल्टा है ये। स्लोली दिखाता हूँ। मैं आपको व्हाट्सएप पे इसके पहले बोल भेज देता हूँ, फिर अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, मैंने आपको बोल भेजे हैं, चेक कीजिए। तो गैस, इस पैटर्न के बोल हैं धिट ताधा तिट ताता, धिट ताता तिट ताता, ठीक है? पर ये बजाने में बहुत अलग है, तो एक एक मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी कि किस तरह से इसे बजाना है। देख लिया आपने बोल? जी सर. ओके, तो देखिए, आपको ढोलक दिख रही है प्रॉपर? हाँ जी सर. वीडियो आ रही है प्रॉपर? ऑडियो वीडियो प्रॉपर है जी जी सर. जी। देखिए, धिट ता धा, धिट ता धा, मतलब कि ता धा, धाता की का उल्टा। यहाँ दोनों दोनों चीजें दिखाता हूँ, देखिए, धिट ता धा, दोनों में आगे स्लाइड है, धिट ता धा। इतना क्लियर है अभी तक? जी सर. आगे देखिए, धिट ता धा, उसके बाद ती ट के साथ बेस है हल्का सा, राइट? धिट ता धा तीट ताता, धिट ताता, और ये जो तिट बजाएंगे हम लास्ट वाला, टिट ताता, उसमें ती ती के साथ ये बेस स्लैप, ती
टी टे ता ता। पूरा पैटर्न दिखाता हूं एक बार दोबारा से। ट्राई कीजिए एंड आप लोग भी ट्राई कीजिए जो भी वीडियो देख रहे हैं। हाँ, सिंगल सिंगल स्लो कर दीजिए इसको भी। धीट ता धा तीट ता इस स्पीड में। हाँ बिल्कुल, वो ही कॉम्प्लिकेटेड है इनफैक्ट। बन रही है बात। ओके, लास्ट में तिट ताता है धाता नहीं। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिए सब लोग देखिए। धीट ताधा, धीट धी के साथ देश, धीट ताधा ती ट ताता, तीट ताता ती और ट के साथ देश, फिर ताता आगे। धीट पहले स्टार्टिंग में, फिर सॉरी, धीट ता धा तीट ताता, धीट ताता। और ये देखिए तीट ताता। तो पूरा पैटर्न बिल्कुल स्लो ट्राई करते हैं। और लेटर ऑन जब हम बजाएंगे फास्ट भी तो अगर इसके बीच में देखिए, जब जो सॉन्ग है ए वतन तेरे लिए, उसमें ये मेन बीट है, ये मेन बीट है, तो इसके साथ हम वेरिएशन के तौर पे कहरवा लगाएंगे, धिट धीना राइट। और जब धिट धीना बजा रहे हैं एज अ मेन बीट, बेसिक बीट, तो इसको उसके साथ एज अ वेरिएशन लगाएंगे। तो दोनों कंडीशन में यूज होगा ये। मैं दिखा भी देता हूँ, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अभी हमने मेन बीट रखी है धिट धीना, उसके साथ में इसे वेरिएशन के तौर पे लगाऊंगा। टेम्पो हम जो भी बेसिक बीट का टेम्पो होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर थोड़ा फास्ट है इस टेम्पो पे अगर हमने वो बजाना है, तरह से हमने बीच में वेरिएशन के तौर पे यूज किया। अब इन केस की ये बेसिक बीट है और वेरिएशन के तौर पे हमने कहरवा ताल लगाना है, तब देखिए। तो दोनों तरह हम इसे यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं इस पैटर्न को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ। तो गाइज, अभी हमारी क्लास तो कंटिन्यू रहेगी, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो आई गेस आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि हमारी क्लासेस कैसे रहती है। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि देखना है कैसी क्लासेस होती हैं, तो देख लीजिए इस तरह से हम क्लास करते हैं। तो एनीवेज, कोई भी कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन का रिक्वेस्ट हो तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।